अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली हम लोग लाहौर से वापस आ चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है कि आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है, और गंदम से ज़्यादा स्टोर करना हमारे लिए गांव में गांव के लोगों के लिए ज़्यादा अहम होता है, तोड़ी को स्टोर करना, क्योंकि अपने खाने के लिए तो अनाज जमा कर ही लेते हैं, लेकिन जो जानवरों के खाने के लिए होता है वो भी एक थोड़ी, जिसको अपनी अपनी ज़ुबान में लोग अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ बोलते हैं, हम लोग भों भी बोलते हैं और तोड़ी भी बोलते हैं इसको। सो अभी फ़ाइनल घर पहुँचा हूँ, तो लग घर वालों ने कहा कि आ जाओ बेटा, आपके हिस्से का काम पड़ा है। ज़्यादातर तो काम घर वालों ने मेरे बगैर ही कर लिया था, लेकिन कुछ ना कुछ अभी ये तोड़ी पड़ी हुई है, इसको यहाँ से उठाकर, ये किसी और की ज़मीन में पड़ी है, यहाँ से उठाकर इसको वहाँ लेके जाना है। वो अब्बू खड़ा है, इसको धड़ बोलते हैं, धड़ के ऊपर, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, और उसके बाद इसको ऊपर मिट्टी से लेप करना है। सो आपको आज सारा ये दिखाएंगे, इसको कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे इसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता है, ताकि ये पूरा साल हमारे लिए महफूज पड़ा रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं उसी धड़ के ऊपर आ गया जो आपको दिखाई थी, अभी मेरा काम है कि वहाँ से वो लेकर आएंगे, मैंने इसके ऊपर जो इसको एडजस्ट करना है। जैसे देख सकते हैं आप, हमारी ये धड़ कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं उतर रहा हूँ नीचे, और इसके बाद इसका अगला प्रोसीजर ये है कि चारों तरफ इसके जो है ना एक बन्ना बनाएंगे, बन्ना बनाने के बाद इस ज़मीन को ट्रैक्टर से हल चलाएंगे, हल चलाने के बाद इसमें पानी
डालकर चारों तरफ एक गारा बनाया जाएगा लेप, और उसके बाद इसको जो है ना लेप किया जाएगा। वो भी आपको सारा परिस्थिति दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत हमारा जो है ना एक केटू की चोटी नमा पहाड़ बन चुका है। अभी इस पहाड़ को लेप करने का काम रह गया सिर्फ। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ट्रैक्टर ले आया हूँ। अभी हम इसके चारों तरफ हल चलाते हैं। दोस्तों तो हमारा ये हाल कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके चारों तरफ ये एक बन्ना बना रहे हैं। बन्ना बनाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ पीटर चलाने। जी तो जैसा कि अभी हम आ चुके हैं अपने पीटर पर और अपने किचन पर। अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जो आज का काम है पहले वही करते हैं। इसको लगाते हैं गेड़ा और पानी ले कर चलते हैं उधर। जी दोस्तों, पानी हमारा पहुंचा है। पानी पहुंचने के बाद अभी इसका लेप बनाते हैं। लेप बनाने के बाद इसकी लिपाई शुरू करते हैं। Thank you.
जी दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारी आज सारे दिन की मेहनत थी और हमने इसे अभी कंप्लीट कर लिए। ये अब महफूज हो चुका है माशाल्लाह। ये अब पूरा साल हमने इस्तेमाल करना है जानवरों के लिए। ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी देख सकते हैं, अभी गिरने लगा था मैं पानी में। ये देखो माशाल्लाह, अभी ये सारा मुकम्मल हो गया। तो हमारा आज का काम फिर ख़त्म हो चुका है। और ये देखो, जो जिस बात से मैं डर रहा था कि बारिश और आंधी भी आ रही है, इसी वजह से मैंने इसे जल्दी कंप्लीट किया। मैंने कहा यार नुकसान ना हो जाए। सो मौसम अभी फुली बारिश का बन चुका है। अभी तो अल्लाह से दुआ है कि ना ही आए बारिश भी, इसको अभी भी नुकसान पहुँचा सकती है। आंधी तो अब नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दिखाया कि दूधी को कैसे स्टोर करते हैं। आज सारा दिन हमारी मेहनत जारी रही और मेहनत तो फल ये इंसान के लिए, अब पूरा साल हम जानवरों को खिलाने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम थक भी चुके हैं, इसी के साथ आपसे जाते हैं इजाज़त। लेकिन जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और हमारी ये काविश कैसी लगी आपको ये भी हमें बताएँ। और दूसरा कि हमारा ये मकसद ये है कि जो 90s या 2000 के दौर के काम थे ना या इंडिया में, या ओवरऑल जो भी उस दौर के काम थे ना, उन कामों को आपको दिखाने का हमारा मकसद है। ठीक है, जो अभी नहीं हो रहे उस दौर में होते थे, अभी कहीं कहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको जाकर करना, आपको दिखाना कि वो कितने ही बेहतरीन और खूबसूरत और महफूज काम थे। कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं थी, और वो हाथों से और अपनी मेहनत से ही काम हो जाता था। हमारा मकसद यही है कि ओल्ड कल्चर दिखाना, गाँव के वो काम दिखाने जो अभी नहीं हो रहे, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दिखाना। तो आपने हमें सपोर्ट करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।